नमस्कार दोस्तों, स्टॉकेड वाइस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिर से एक इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अनुरोध है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे पुराने वीडियो में गए सिटी जो इंडिकेटर के बारे में बताए हैं तो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम लोग को 45 मिनट तक रुकना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी है 45 मिनट के पहले, यानी कि नो मार्केट में मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद हमको 45 मिनट तक रुकना है, 45 मिनट वेट करना है। और उसके बाद हम लोग को कुछ करना है, जैसे कि एक ट्रेंड रेंज जब स्टॉक बना ले तब हम लोग को उसमें एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनानी है? एंट्री हम लोग को तभी बना जैसे कि एक ट्रेंड रेंज बन जाना चाहिए। एक ट्रेंड रेंज जैसे 9:15 से लेकर 10 बजे तक एक ट्रेंड रेंज अगर बन गया तो उसका हाई लो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ चार्ट दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करीब तो नहीं देखिए एक रेंज बना है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये दो देखा है, रेंज बना हुआ है। तो इसके हम लोग को क्या करना है, इसको जब हाई टूटेगा तो हम लोग को बाय करना है, लो टूटेगा तो हम लोग को सेल करना है, तब दोस्तों हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करना है, ऊपर 0.3% पे लेंगे, अगर बाय कर रहे हैं तो उसका जो रेंज जो एस्टेब्लिश हुआ, जो ये जो एक रेंज है उसके 0.3% ऊपर लेंगे, बाय करेंगे। और इसको जो है दोस्तों आप कंबाइन कर लीजिए RSI इंडिकेटर या MACD इंडिकेटर के साथ, तो और परफेक्ट हो जाता है दोस्तों। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता तो उसको बनाना होगा दोस्तों। तो इस तरीका से आप दोस्तों इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और कैसे MACD का यूज करना है उस वीडियो हम बना चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं, या हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें हम लोग को काम करना है। देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड बना, यहाँ से एक ट्रेंड रेंज बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस कैंडल ने हाई वैल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया, देखिए हाई कैंडल के साथ, अब 0.3 से ऊपर है, बाय था तो हम लोग को यहाँ से इसके नेक्स्ट कैंडल से हम लोग को बाय करना था। और देखिए बाय किए तो कहाँ से की गई, 536 से लेके 500, देखिए दोस्तों इतना 547 तक, यानी कि 11 रुपये का प्रॉफिट दिया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों एक स्ट्रेटजी है, एकदम जैकपॉट है दोस्तों। इस तरह से आप इसमें काम कीजिएगा, प्रॉफिट श्योर होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दोस्तों। इसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का डर ही नहीं रहता है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही परफेक्ट काम करता है दोस्तों। इस तरीका से आप काम करें, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस 45 मिनट तक होल्ड करना है। इसी तरीका से एक हाई एक लो का हम लोग को इंतज़ार करना है, कम से कम हाई लो बन जाए, यानी उसको जिसको हम ट्रेंड रेंज बोल रहे हैं, हाई लो बन जाए, उसके बाद उसको ब्रेक करेगा या जो साइड करे, अगर बाई साइड कर, अगर ऊपर की ओर करता है तो बाई में जाएंगे, नीचे की ओर करता है तो हम सेल में जाएंगे, और हम लोग दोस्तों मुनाफा कमाएंगे। बस यही है दोस्तों इस स्ट्रेटजी की मुख्य बात है कि आपको बस 45 मिनट तक होल्ड करना। तो ट्रेडिंग करनी है, इंट्रा ट्रेडिंग करनी है तो शिकार करने के बराबर है दोस्तों। इसको आप शिकार समझिए, जिस तरह से शिकार एकदम फोकस करके इस पर फोकस दीजिए, उसके बाद आप मुनाफा कमाएंगे दोस्तों। ये मेरा वादा है। आप अगर रूल फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और एक वेट करते हैं एक अच्छे ट्रेड में, देखिए ट्रेड नहीं ले वो अच्छा है, खराब ट्रेड नहीं ले अच्छा पोजिशन बनाए, यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप दिन में 10 ट्रेड कीजिएगा उसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, आप एक ट्रेड का इंतजार कीजिए और देखिए आप एक ट्रेड ही इतना मुनाफा दिया, फिर वो चार ट्रेड लेने के हो सकते हैं, एक इसमें 11 रुपया प्रॉफिट दिया तो क्या चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपको इसको करना है। अगर हमारे MACD वाला वीडियो नहीं देते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, उसमें MACD या जो हमने सेटअप इंट्राडे सेटअप किस तरह से करना है उस पर सेटअप पर भी बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।